आज इस वीडियो में आप देखिए कैसे अखिलेश यादव के सामने ही एक शख्स ने की उनकी इस तरह की मिमिक्री। अरे डिंपल जिस पे लिखा था वो वाली फाइल देना। ये तो टीजर था, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी। लेकिन वहीं गोदी मीडिया पर जाकर ही अखिलेश यादव ईमानदार पत्रकार वाले वायरल क्लिप के बाद सीक्वल लेकर आए हैं। अगर आपको कोई पत्रकारों का मठाधीश कह दे तो आपको कैसा लगेगा? आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अखिलेश यादव सही खेल गए। एक बार याद है आपको इस तरह का क्लिप सामने आया था जहां ईमानदार पत्रकार बोलने पर आग बबूला हो गई थी एंकर। आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है आज ठोको राज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछालना, खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश? नहीं, आप एक सम्मानित नेता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टांस लेने की क्यों जरूरत? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं। फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा, आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी ईमानदारी गलत शब्द नहीं, ध्येय से बोल रहे हैं ना आप, जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं, आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं, बिल्कुल हर बार इसी अंदाज में गोदी मीडिया पर जाते तो हैं अखिलेश यादव, लेकिन ऐसा कुछ कर देते हैं या ऐसा कुछ कह देते हैं, एंकर बौखला जाता है या फिर फंस जाता है। समझ नहीं आता कि ये तारीफ कर रहे हैं या फिर। आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं, नहीं, आपको कैसा मुझे लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मैंने, मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। मैं मैं अगर ये कहूँ आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, पहले तो लगा कि तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब तालियां और तेज हो गई और एक सन्नाटा सा पसर गया तो समझ आया नहीं, तारीफ शायद नहीं कर रहे हैं। परेशान हो गया एंकर, पूछने लगा ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, उसके बाद एंकर को समझ आया लेकिन आप तो मठाधीश की तुलना माफिया से करने लग गए। फिर अखिलेश यादव हंसते हैं, कहेंगे ना सही खेल गए। आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? पत्रकारों, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं, नहीं, आपको कैसा मुझे लगा? मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए, लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मैंने, मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा।
तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूँ आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा। और वहीं आप देखिए कैसे एक शख्स ने अखिलेश यादव के सामने की अखिलेश यादव की ही मिमिक्री नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मिमिक्री। क्या बोले वो और किस तरह से ठहाके लगाते हुए नजर आए आपको अखिलेश यादव, देखिए पूरी क्लिप। तो जिस तरह से वो बोलते हैं, अपना तमाम आरोप लगा दे रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षा और सुरक्षा को किसी ने अगर नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इसमें कभी कभी सदन में नाम भी ले लेते हैं, बाद में पता चला नाम भी फर्जी ले लिया, और किस पार्टी के लोग शामिल हैं यह आप सब लोग देख रहे हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तब हमारे नेता जी जवाब देते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा क्या बातें कर रहे हैं, अरे डिंपल जिस पे लिखा था वो वाली फाइल देना। प्रदेश की सुरक्षा को खतरा है, सरकार किसकी है? हमने 100 नंबर की पुलिस आती थी, आपने उसको 112 बना दिया। एम्बुलेंस हमने चालू कराया, एक्सप्रेसवे हमने प्रदेश को दिया, और एक्सप्रेसवे ऐसा है कि आपके लोग भी उसी पट्टी पर उतरते हैं। साक्षी जोशी को आप YouTube पर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या गोदी मीडिया का इसी तरह का ट्रीटमेंट सभी लीडर्स को करना चाहिए। आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इस तरह के वीडियोस जब आते हैं आपके पास तुरंत अपने आप पहुंच जाएंगे, वरना आपको पता ही है रोक टोक हमारे वीडियोस पर बहुत लगी रहती है। तो सत्यमेव जयते हैं।